अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलबर्गा हेडलाइंस। अक्सर आपने देखा और सुना होगा किस तरह से कांग्रेस दूसरों को मर्यादा का पाठ पढ़ाती है, लेकिन इनके नेता किस तरह से महिलाओं की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं। जुमेरात को रियासती असेंबली में कर्नाटक कांग्रेस के फॉर्मर स्पीकर ने रेप जैसे घिनौने अपराध पर रिमार्क देते हुए कहा, जब महिलाओं को लगे उनका रेप होने वाला है तो वो इसका मजा लें। When rape is acceptable, lie down and enjoy it. That's exactly the position into which. हैरानी की बात तो ये है कि रमेश कुमार ने जब अपनी गंदी ज़हनियत से महिलाओं का मजाक उड़ाया तो बीजेपी स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े रमेश कुमार पर गुस्सा होने के बजाय जोर जोर से हंसते नजर आए। That's exactly the position into which you are. भारत में हर आए दिन महिलाओं के साथ छेड़खानी और रेप जैसे मामले सामने आ रहे हैं, और कर्नाटका में जिन नेताओं को चुनकर विधानसभा में बिठाया गया है वो लोग महिलाओं की हिफाजत में कानून बनाने की बात करने के बजाय महिलाओं को रेप के मजे लेने का मशवरा दे रहे हैं। रमेश कुमार के इस शर्मनाक बयान पर तमाम न्यूज चैनल्स और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के साथ खुद कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर कांग्रेस MLA रमेश कुमार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। गुलबर्गा शहर में भी आज कलबुर्गी महानगर महिला मोर्चा की जानिब से महिलाओं ने गुलबर्गा DC ऑफिस पर जमा होकर कांग्रेस MLA रमेश कुमार के खिलाफ एहतजाज कर नाराजगी जाहिर की। के दिन जो बेलगाम में जो अधिवेशन चल रहा था उस टाइम पे हमारे कांग्रेस के माजी स्पीकर रमेश जी एक बात बोलते हैं, वो लेडीज के बारे में वो चीज़ हम बात मुँह से भी हम नहीं बोल सकते। ये बैटर पे हम सही में इसको हम खंडनीय करते हैं, और वो एक बुजुर्ग है, बड़े हैं और एक्सपीरियंस राजकारणी हैं। ऐसे जो बात करते हैं ना, ये बात उनका सही नहीं है। कोई भी औरत का इज्जत करना, ये हमारे भारतीय संस्कृति का एक संप्रदाय भी है। हर बात पे बोलते हैं कि बीजेपी के लीडर ऐसा करते हैं, बीजेपी के लीडर ऐसा करते हैं बोल के ये बार बार बोलते रहते। तो आज कल जो रमेश जी जो बात कर रहे हैं उनका बात कहाँ कहा गया, ये बात मैं उनके कांग्रेस के लीडर्स और उनके कार्यकर्ता को मैं पूछना चाहती हूँ। ये महिला उन्हों कल क्या करे सॉरी भी पूछे, लेकिन ये बात हम इतने पे ही नहीं छोड़ते। सॉरी कोई ओपनली ऐसा बात करके सिर्फ एक दो लोगों के सामने ऐसा सॉरी बोले तो नहीं चलेगा। वही सुवर्ण सौदा के सामने वो दीर्घ दंड नमस्कार डाल के सभी महिलाओं को जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो मेरे से गलती हो गए बोल के क्षमा पूछना। अगर नहीं क्षमा पूछे बोले तो आज के दिन हम क्या करेंगे, इसका राज्य हमारे जो राज्य के जो लीडर्स रहते हैं ना उनका अगर कुछ आ गया लीडर्स का उनका हमको रिस्पॉन्स आ गया बोले तो हम क्या करते, कमिश्नर साहब के साथ पास जाके उनके अगेंस्ट हम FIR के लिए भी करने के लिए हम रेडी हो जाते। कलबुर्गी महानगर महिला मोर्चा से हम बोल रहे हैं। वो विधान परिषद में रमेश कुमार माजी स्पीकर है, औरत के लिए बहुत गलत बात करे है। इस बात करने को उसको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि औरत का इज्जत करने का सीखना पहला। औरत का इज्जत रहे तो सब कुछ हमको राज्य का महिला लोग भी खुशी से रहते। ये एक जवाबदारी का अधिकार हो के ऐसा बात करना, रेप करना, ऐसा करना वैसा करना बोलने का उसका कोई हक नहीं, इसलिए उसको शिक्षा मिलना बोल के हम सभी जिला से, सभी महिला मोर्चा से, हमारे राज्य अध्यक्ष गीता मैडम से, हम उसका आदेश से उन्हीं उसको शिक्षा होना बोल के हम बोलने का ये कर अधिवेशन विधान परिषद अधिवेशन ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಅವಹೇಳನವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಅವಹೇಳನ ಮಾತನ್ನು ನಮಗೆ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದಾರ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರ, ಅವ್ರು ಈ ಥರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಏನು ಯಾವ ಥರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಯಾವ ಥರದಿಂದ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಇದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋವಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇವರು ನಾಯಕರು